हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सीयूईटी यूजी के एग्जाम को लेकर एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीयूईटी यूजी के एग्जाम को लेकर डे बाय डे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। क्लियरली कंफर्म तरीके से एनटीए एग्जाम करा ही नहीं पा रहा है, कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो फोर्थ फेज का आज का एग्जाम था, फोर्थ फेज का जो एग्जाम होने वाले थे सीयूईटी के, वो 17, 18 और 20 तारीख को थे। आज 18 तारीख है, 18 अगस्त, और आज एग्जाम था इन लोगों का। और कई सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, यानी दिल्ली के कई सेंटर्स पे सीयूईटी यूजी फोर्थ फेज के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे, कब आएगा सीयूईटी यूजी का रिजल्ट, पहले क्लियर तरीके से एग्जाम तो हो जाए। एग्जाम ही नहीं हो पा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि द लास्ट मिनट एग्जाम सेंटर चेंज एंड टेक्निकल ग्लिचेस परसिस्ट, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट मिनट पे एग्जाम सेंटर चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए हैं। अब इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है, एनटीओ को पहले से एक दिन पहले से ही एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहिए था, अगर चेंज करना ही था तो। लेकिन लास्ट मिनट पे एग्जाम सेंटर चेंज करने का क्या फायदा, बच्चे टाइमली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो ही नहीं पाया और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया। तो इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगी। अभी एनटीए की तरफ से ऐसी कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं की गई है कि ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराए भी जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। फिलहाल यही है कि कई सेंटर्स पे आज भी सीयूईटी यूजी का एग्जाम कैंसिल हुआ है, कल भी हुआ था, और 20 तारीख को क्या होता है भगवान ही जाने। तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू।